अस्सलाम वालेकुम क्लास मैट्रिक। आज हमारा लेक्चर नंबर 11 है, चैप्टर नंबर 12 वेव्स एंड साउंड का। लास्ट लेक्चर में हमने सिंपल हार्मोनिक मोशन की 5 इम्पोर्टेंट टर्म्स स्टडी की थी। क्लास वो लेक्चर हमारा लेक्चर नंबर 10 था, ये लेक्चर हमारा लेक्चर नंबर 11 है। आप करेक्शन कर दीजिए। इस क्लास में भी हम सिंपल हार्मोनिक मोशन को ही कंटिन्यू करेंगे और इसकी एग्जाम्पल सिंपल पेंडुलम को डिस्कस करेंगे। पेंडुलम क्लास आपने देखा ही होगा, आपके घरों में जो वॉल क्लॉक्स होती हैं उसमें किसी किसी के साथ पेंडुलम अटैच होता है। पेंडुलम बेसिकली होता क्या है? एन आइडियल सिंपल पेंडुलम कंसिस्ट ऑफ अ पॉइंट मास सस्पेंडेड बाय अ वेटलेस एंड इनएक्सटेंसिबल स्ट्रिंग फ्रॉम अ फिक्स्ड सपोर्ट। पेंडुलम आपके पास एक मास होता है, पॉइंट मास कह लीजिए या सर्कुलर मास कह लीजिए, जो कि एक स्ट्रिंग से अटैच होता है। स्ट्रिंग या रोप वेटलेस होनी चाहिए और इनएक्सटेंसिबल होनी चाहिए, यानी आप उसके वेट को निग्लेक्ट कर सके, उसका वेट इतना कम हो, और इनएक्सटेंसिबल मतलब वो स्ट्रेचेबल ना हो, रोप स्ट्रेच ना होती हो बल्कि वो फिक्स्ड हो। फिगर में देखिए क्लास, ये आपके पास पॉइंट मास है, इसे बॉब भी कहते हैं, इसे आपने स्ट्रिंग से अटैच किया हुआ है और स्ट्रिंग सपोर्ट के साथ फिक्स्ड है। ओ इसकी मीन पोजीशन या फिर इक्विलिब्रियम पोजीशन है, इस पोजीशन पे ये रेस्ट में है। फिर आपने इसे डिस्प्लेस किया ए तक और ए पे आपने इसको रिलीज कर दिया। ए इसकी एक्सट्रीम पोजीशन है। जब आप इसे पोजीशन ए से रिलीज करेंगे तो ये ए पोजीशन पे नहीं रहेगा बल्कि ये वापस ओ की तरफ आएगा। अब ये पोजीशन ए से पोजीशन ओ की तरफ क्यों आ रहा है? देखिए क्लास, जब आपने स्प्रिंग मास सिस्टम डिस्कस किया था, वहां पे स्प्रिंग को जब आप डिस्प्लेस करते हैं तो वापस अपनी पोजीशन की तरफ आती है। स्प्रिंग को वापस लाने वाली फोर्स वहां पर इलास्टिक रीस्टोरिंग फोर्स होती है, क्योंकि स्प्रिंग में इलास्टिसिटी होती है इसीलिए वो अपनी पोजीशन को रीगेन करती है। लेकिन पेंडुलम इलास्टिक मटेरियल नहीं है, इसमें इलास्टिसिटी नहीं होती, बल्कि इसको वापस लाने वाली फोर्स यहाँ पे ग्रेविटी। जब भी आप किसी भी ऑब्जेक्ट को हाइट पर ले जाके रिलीज करते हैं तो वो वापस ग्राउंड की तरफ ड्यू टू ग्रेविटी आता है। इसी तरह जब आप पेंडुलम को ओ से ए तक लिफ्ट करेंगे तो ये वापस ओ पर आएगा और इसका रीजन ग्रेविटेशनल फोर्स है। लेकिन क्लास, जब ये पोजीशन ओ पे आएगा तो यहां पर आके स्टॉप नहीं होगा बल्कि ये पोजीशन ओ से आगे बी की तरफ मूव करेगा। अब ये पोजीशन ओ से बी की तरफ क्यों मूव कर रहा है? देखिए क्लास, आपने चैप्टर नंबर 4 में लॉ ऑफ इनर्शिया पढ़ा था। इनर्शिया किसी भी ऑब्जेक्ट की वो प्रॉपर्टी है जिसकी वजह से वो अपनी स्टेट में रहना चाहता है, यानी अगर वो स्टॉप है तो वो स्टॉप रहना चाहता है और अगर वो मूव कर रहा है तो वो मूव करते रहना चाहता है। अब जब बॉब पोजीशन ओ पे आएगा तो यहाँ पे इसको कोई स्टॉपिंग फोर्स नहीं मिलेगी, इनर्शिया की वजह से ये अपने स्टेट को कंटिन्यू करेगा, यानी अपने मोशन को कंटिन्यू करेगा और ओ से बी की तरफ मूव करेगा। जब ये मूव करेगा पोजीशन ओ से पोजीशन बी की तरफ तो इसकी वेलोसिटी डिक्रीज होगी क्योंकि ये अगेंस्ट द ग्रेविटी मूव कर रहा है। देखिए क्लास, जब भी आप किसी ऑब्जेक्ट को एयर में अपवर्ड थ्रो करते हैं तो उसकी वेलोसिटी कंटिन्यूअसली डिक्रीज होती है और एक पॉइंट पे जाके वो स्टॉप हो जाता है।
इसी तरह जब ये बॉब अगेंस्ट ग्रेविटी मूव करेगा तो इसकी वेलोसिटी भी डिक्रीज होगी और एक पॉइंट पे आके स्टॉप हो जाएगी, और यही वो पॉइंट है जिसे हमने डी मार्क किया है। डी पॉइंट इसकी सेकेंड एक्सट्रीम पोजीशन। अब ये बी पे जाके स्टॉप होगा और ग्रेविटी की वजह से वापस से पॉइंट ओ पे आएगा। अगेन ये ओ पे स्टॉप नहीं होगा बल्कि इनर्शिया की वजह से पोजीशन ए की तरफ मूव करने लगेगा। दोबारा इसकी वेलोसिटी ओ से ए तक डिक्रीज होगी और पोजीशन ए पर पहुंचकर वेलोसिटी की वैल्यू जीरो हो जाएगी। जब इसकी वेलोसिटी जीरो होगी तो फिर ये ग्रेविटी की वजह से वापस ओ की तरफ फॉल करेगा। अब इसकी वेलोसिटी इंक्रीज हो रही होगी, यानी जब ए से ओ पर आएगा तो वेलोसिटी इंक्रीज होगी और जब ओ से बी पर आएगा तो वेलोसिटी डिक्रीज होगी। इसी तरह जब बी से ओ पे आएगा तो वेलोसिटी फिर इंक्रीज होगी और ओ से ए पे जाएगा तो वेलोसिटी फिर से डिक्रीज होगी। इसकी वेलोसिटी मैक्सिमम हो रही है पोजीशन ओ पे, और पोजीशन ए और पोजीशन बी पे इसकी वेलोसिटी जीरो है। देखिए क्लास, इसका एक कंप्लीट ट्रिप यानी ए से बी और बी से अगेन ए, ये कहलाएगा वन वाइब्रेशन या फिर वन ऑसिलेशन। इस ट्रिप को कंप्लीट करने के लिए जो टाइम रिक्वायर्ड होगा वो इस बॉब का टाइम पीरियड होगा। एक सेकंड में ये बॉब जितने ट्रिप्स कंप्लीट करेगा वो इसकी फ्रीक्वेंसी होगी, और ओ से लेके ए तक का डिस्टेंस इसका एम्पलीट्यूड होगा। चाहे आप ओ से ए तक लीजिए या फिर ओ से बी तक लीजिए, दोनों साइड पे ये एम्पलीट्यूड मेजर होगा। अब देखिए क्लास, अगर हम इस बॉब की एनर्जी डिस्ट्रीब्यूशन की बात करें तो देखिए इसकी वेलोसिटी मैक्सिमम हो रही है पॉइंट ओ पे। जिस पॉइंट पे इसकी वेलोसिटी मैक्सिमम होगी उस पॉइंट पे इसकी काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम होगी। काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला आप पढ़ चुके हैं क्लास, के ई इज इक्वल्स टू 1/2 mv². काइनेटिक एनर्जी के फॉर्मूले में आती है वेलोसिटी। अब जहां इसकी वेलोसिटी मैक्सिमम है वहीं पर इसकी काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम है, और जहां इसकी वेलोसिटी जीरो है वहां इसकी काइनेटिक एनर्जी भी जीरो है। पॉइंट ए पे बॉब स्टॉप हो रहा है इसीलिए इसकी वेलोसिटी जीरो होगी और पॉइंट ए पे फिर इसकी काइनेटिक एनर्जी भी जीरो होगी, लेकिन पॉइंट ए पे इसकी पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम होगी। क्योंकि क्लास पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला आप जानते हैं क्या होता है, mgh। जिस पॉइंट पे इसकी हाइट मैक्सिमम हो रही है वहां पे इसकी पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम होगी। हाइट यानी कि देखिए, जब ये पोजीशन ओ पे है तो इसका सेंटर यहाँ है, और जब ये पोजीशन ए पे चला गया तो इसका सेंटर यहाँ आ गया। इस सेंटर से लेके इस सेंटर तक का डिस्टेंस यानी आप वर्टिकली मेजर करेंगे तो ये हाइट है। ये देखिए क्लास, फिगर में मेंशन हुई है, जहां इसकी हाइट मैक्सिमम हो रही है वहां इसकी पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम हो रही है। इसकी हाइट पोजीशन ए और पोजीशन बी दोनों पे मैक्सिमम है, तो इन दोनों पोजीशंस पर इसकी पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम है, जबकि काइनेटिक एनर्जी दोनों पोजीशंस पे जीरो है क्योंकि इसकी वेलोसिटी ए और बी पर जीरो है। सेंट्रल पोजीशन यानी मीन पोजीशन पे वेलोसिटी मैक्सिमम है इसलिए यहाँ काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम है। इस पोजीशन पे ये ग्राउंड लेवल पर है तो इसकी हाइट जीरो होगी तो पोटेंशियल एनर्जी भी जीरो होगी। किसी भी सेंट्रल पॉइंट पे इसकी एनर्जी पार्टली काइनेटिक होगी और पार्टली पोटेंशियल होगी, यानी कि ये पोटेंशियल से काइनेटिक में कन्वर्ट हो रही होगी या फिर काइनेटिक से पोटेंशियल में कन्वर्ट हो रही होगी, तो कुछ पार्ट उसका पोटेंशियल एनर्जी होगा और कुछ काइनेटिक एनर्जी, लेकिन टोटल अमाउंट ऑफ एनर्जी
एनर्जी थ्रू आउट द मोशन कॉन्स्टेंट रहेगी। चाहे आप टोटल एनर्जी निकाले पॉइंट ए पर, चाहे ओ पर, चाहे बी पर, या फिर दरमियान में किसी भी पॉइंट पर, हर पॉइंट पे टोटल अमाउंट ऑफ एनर्जी कॉन्स्टेंट रहेगी। अब देखिए क्लास, सिंपल पेंडुलम के लिए टाइम पीरियड मालूम करने का फॉर्मूला हमने देखा था लास्ट क्लास में। स्प्रिंग मास सिस्टम के लिए टाइम पीरियड का फॉर्मूला था टी इज इक्वल्स टू 2 पाई अंडर रूट एम अपॉन के। एम वहां पर मास था और के स्प्रिंग कांस्टेंट। पेंडुलम में अब ये पैरामीटर्स चेंज होके एल अपॉन जी आ जाता है। एल यहाँ पर लेंथ ऑफ सिंपल पेंडुलम है और जी आपको मालूम है एक्सिलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी का सिंबल है। इसकी वैल्यू कांस्टेंट होती है 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। लेंथ ऑफ सिंपल पेंडुलम देखिए हम कैसे मेजर करेंगे। ये लेंथ ऑफ स्ट्रिंग और बॉब के सेंटर तक की लेंथ है। यानी आप लेंथ ऑफ स्ट्रिंग में अगर बॉब का रेडियस एड कर देंगे तो आपके पास लेंथ ऑफ पेंडुलम एल आ जाएगी। जब आप लेंथ की वैल्यू यहाँ पे रखेंगे, यहाँ जी की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे और इसे सॉल्व करेंगे तो आपके पास सिंपल पेंडुलम का टाइम पीरियड आ जाएगा। अगर आपको फ्रीक्वेंसी के लिए फॉर्मूला अरेंज करना हो तो जस्ट इसका रेसिप्रोकल हो जाएगा। 2 पाई की जगह 1/2 पाई और एल अपॉन जी की जगह जी अपॉन एल आ जाएगा। अब देखिए सिंपल पेंडुलम की स्पेशल टाइप है सेकेंड पेंडुलम। ऐसा पेंडुलम जिसका टाइम पीरियड 2 सेकेंड हो सेकेंड पेंडुलम कहलाता है। A pendulum is called second pendulum if it takes 2 seconds to complete one oscillation. यानी के एक दफा वाइब्रेट करने के लिए A से B और B से A तक आने के लिए पेंडुलम को 2 seconds required होंगे। ऐसा पेंडुलम second pendulum कहलाता है। It is used in clocks to record time. क्योंकि इसका टाइम पीरियड फिक्स होता है इसीलिए इसको क्लॉक्स में टाइम रिकॉर्ड करने के लिए भी यूज किया जाता है।